मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। अब एक चौथी औषधि और बहुत अच्छी औषधि है, वो आप सभी के काम आएगी जिनको भी गुर्दे का त्रास है, कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, वात की तकलीफ बहुत ज्यादा अगर हो। कई बार ऐसी कंडीशन होती है वात की तकलीफ में कि मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है, वो जिस स्थिति में लेटा है उसी में लेटा है, थोड़ा भी करपट बदले भयंकर दर्द होता है, उंगलियां ऐसी हो जाती है, हिलना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, बात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है। और वो औषधि है, आपने वो देखा परिजात, परिजात का पेड़ होता, परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक कर दे। परिजात के पत्ते, परिजात का फूल आपने देखा सफेद फूल होता है और गंदी नारंगी होती है और पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने ही फूल आता है। तो इस परिजात के पेड़ के पत्ते तोड़िए, जिनको भी पुराने टाइप वो है अर्थराइटिस, गुर्दे की तकलीफ पुरानी हो, 10 बरस पुरानी, 15 बरस पुरानी, 20 बरस पुरानी, 25 बरस पुरानी, 40 बरस पुरानी, ठीक ही नहीं होती, डॉक्टर ने मना कर दिया, संभव मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये है परिजात। परिजात के पत्ते तोड़िए, 5-6 पत्ते तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए, चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालिए, पानी को खूब उबालिए और इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। कितना पानी? 1 गिलास पानी, 5-6 परिजात के पत्ते, पत्तों को बनाइए चटनी, चटनी को मिलाइए पानी में, 1 गिलास पानी, पानी को उबालिए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको पीना, छान के पिए तो अच्छा है और वैसे पिएंगे तो और भी अच्छा, वो पत्ते अगर जाए पेट में तो बहुत ही अच्छा। अब इसको पीना है तो सुबह ही सुबह पीना है, खाली पेट पीना, तो मतलब इसका ये है कि रात को ये बनाइए, परिजात के पत्ते तोड़ के चटनी बना के पानी में उबाल के रात को रख दीजिए, रात भर रखिए, सुबह उठकर उस पानी को पीना, मुंह धो के साफ करके कुल्ला तकुल करके। अगर आपने 4-5 दिन भी पी लिया तो 40 साल पुराना डायबिटीज, सॉरी अर्थराइटिस, जो हाथ पर भी नहीं हिलने देता वो हाथ पर हिलना शुरू करा देता, और कितना भयंकर दर्द हो, 7 दिन में तो दर्द बिल्कुल गायब करा देता, बहुत अद्भुत है। इसलिए मेरा सबको एक विनती है कि परिजात का झाड़ अपने घर में जरूर लगाएं, और परिजात का झाड़ गमले में भी लग जाता, उसको बहुत जगह नहीं लगती, छोटी सी जगह में भी हो जाता। ये परिजात का झाड़ बहुत ही अद्भुत है हर एक उस पेशेंट के लिए जिसको अर्थराइटिस है, रूमेटिक अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, दोनों ही तरह के अर्थराइटिस में, दोनों ही तरह के संधिवात में बहुत अद्भुत है, और पुराने संधिवात में तो सबसे ज्यादा अद्भुत। शुरुआत है तो 1-2 दिन ही लेना, बहुत गर्म है, शुरुआत है तो 2 दिन ही लेना, उतना ही काफी, लेकिन ज्यादा पुराना है तो 15-20 दिन लगातार ले सकते हैं। दूसरा नाम उसका है हार सिंगार, परिजात जो नाम है वो मराठी नाम है, हार सिंगार हिंदी नाम, हार सिंगार समझते वो भी नहीं समझते, तो मैं आपको शक्ल बताता हूँ उसकी, सफेद रंग का छोटा फूल होता है और नारंगी रंग की उसकी डंडी होती है। पारिजातक, पारिजात वो एक ही बात है, पारिजातक उसको संस्कृत में कहते हैं, परिजात मराठी में कहते हैं, हार सिंगार हिंदी में कहते हैं। मालूम है तो बहुत अच्छा, इसलिए मेरी विनती है कि घर में थोड़ी भी जगह है तो एक परिजात का झाड़ लगा के रखिए, बहुत काम आएगा आपके, नहीं तो आपके पड़ोसी के, क्योंकि आजकल संधिवात बहुत हो, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें संधिवात हो, और संधिवात की सबसे अच्छी अचूक दवा आयुर्वेद में यही है, परिजात के पेड़ का पत्ता, फल नहीं पत्ता। आपने बोला चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में भी अद्भुत काम करता है, अगर आपको चिकनगुनिया हुआ है तो परिजात के पत्ते का रस पिएंगे तो 3 दिन में ठीक होगा, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 6 महीने भी ठीक नहीं होने वाला, गारंटी मैं देता हूं।
हजारों रुपए खर्च करेंगे, पैरासीटामोल की कितनी भी गोली खाएंगे, कितने भी इंजेक्शन लगाएंगे, 6-8 महीने आपका ठीक ही होने वाला नहीं है। और परिजात के पत्ते का रस 3 दिन में ही चिकनगुनिया ठीक कर देगा। पत्ते, फूल नहीं, पत्ते, सिर्फ पत्ते, फूल नहीं खा लेना कभी, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पत्ते ही काफी। एक दिन में बूढ़े आदमी को बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा चलता है, उसकी और भी कई तकलीफें ये दूर कर देता है। मूत्र से जितनी भी जुड़ी हुई शिकायतें हैं बूढ़े लोगों को, वो परिजात के पत्ते के रस से ठीक हो जाती है बिल्कुल। मूत्र खड़ा तो ठीक नहीं होता, लेकिन मूत्र की दूसरी तकलीफ है, मूत्र में रुकावट आती है, बूंद बूंद करके मूत्र आता है, मूत्र आते समय बहुत जलन होती है, ये सब बीमारियां ठीक कर देता है।